दल बदल के तहत धनबाद जिला अध्यक्ष अवधेश सिंह और पूर्व मंत्री आबो देवी सहित कई राजद कार्यकर्ता आसू पार्टी में शामिल होने के बाद धनबाद के राजद अध्यक्ष का पद खाली होने के कारण प्रदेश राजद अध्यक्ष ने जिला अध्यक्ष के रूप में तारकेश्वर यादव को जिला का कमान सौंपा है, जिसके बाद आज महानगर अध्यक्ष मुमताज कुरैशी ने मिलन समारोह कर नए जिला अध्यक्ष का स्वागत किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए तारकेश्वर यादव ने कहा कि आज पार्टी चुनाव का आगाज किया जा रहा है और धनबाद के 6 विधानसभा में महागठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। आपको बता दें कि राजद को धनबाद जिला में एक भी सीट नहीं दिया गया है, लेकिन महागठबंधन को जिताने की बात राजद के नए जिला अध्यक्ष तारकेश्वर यादव ने कहा है। के जिला अध्यक्ष के कार्यक्रम से हम जिला के कार्यक्रम सभा के लिए पार्टी का आदेशानुसार क्या कुछ कहेंगे जो कुछ दिन के लिए जिला अध्यक्ष इधर उधर करके बने थे, चले गए दूसरे पार्टी में, क्या कुछ कहेंगे? वो धोखेबाजी से कुछ का काला ऐसे काम किए थे, बाकी जो पार्टी के निर्देश है उसको भी हम पालन किए। हम पार्टी के साक्षात सिपाही है, पार्टी का जो निर्देश जब भी होता है उसको पालन करने का काम करते हैं। आप तो करते हैं, लेकिन और लोग जो पार्टी में वैसे लोग थे उनके प्रति पार्टी की ओर से कभी फिर अगर उलवाना चाहते हैं तो क्या कुछ उनको शामिल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, ऐसा कुछ? देखिए, उसको तो आला कमान खुद देख रहे हैं, आज जो जैसा करता है उसको भगवान सामने आ जाता है, वो आपको देखने के लिए रहा है। चुनाव को लेकर राजद का धनबाद जिला में क्या कुछ तैयारियां रहेगी? राजद का तैयारी है जो समझौता में सारा सीट है, राजद पूरी तरह से अपना दल बल के साथ क्या कहला जे सब सीट को जिताने का काम करेगा। धनबाद में किसी विधानसभा पर तैयारी राजद को अलग से सीट? सभी सीट पर मेरा तैयारी है, जो हमारा समझौता में सीट है तो सोचे जी का कहला जो सभी सीट पर। वहीं महानगर अध्यक्ष मुमताज कुरैशी ने भी नए जिला अध्यक्ष तारकेश्वर यादव को बधाई दी एवं महागठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का भी उन्होंने भरोसा दिलाया। विधानसभा चुनाव है, गठबंधन है, इस तरह से आप लोग समर्थन दे रहे हैं राजद की ओर से? विधानसभा चुनाव में जो आला कमान का आदेश है, सुप्रीमो हमारे आदरणीय और प्रदेश के अध्यक्ष अभय कुमार सिंह जी का आदेश हम लोगों को मिला है कि हम लोग चुनाव में जितनी मदद हो सकता है गठबंधन के प्रत्याशी को हम लोग करेंगे और विजय बनाने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। धनबाद में कोई जगह पे राजद का सीट नहीं दिया गया या कुछ ऐसा? हम लोगों को गठबंधन के थ्रू 7 सीट मिली, जहां हम लोगों ने देखा जो 7 सीट हम निकाल सकेंगे पूरी तरह से हम लोग सक्षम थे। अगर और सीट मिलती जो गठबंधन के जरिए तो हम लोग यहां भी लड़ने का प्रयास करते, लेकिन JMM और कांग्रेस और RJD ये तीनों के तालमेल से हम लोगों के जिम्मे में 7 सीटें आई, इसलिए हम लोग 7 सीट से लड़ रहे हैं। तो 7 सीट से जो जो पहले के दावेदार थे वो थे, और धनबाद में अगर संसदीय क्षेत्र से मिलती तो हम उनका भी एक फिर से इनको जिलाध्यक्ष बनाया गया, क्या कहेंगे? तारकेश्वर जी को फिर से जिलाध्यक्ष बनाया गया? मैंने तो पहले ही कहा कि तारकेश्वर यादव जी ने अवधेश से, मैं नाम लेकर कह रहा हूँ, अध्यक्ष के पहले, पूर्व के अध्यक्ष से पहले ये बहुत ही अच्छा राष्ट्रीय जनता दल के लिए परफॉर्मेंस दिए थे और इन्होंने बहुत ही शानदार काम किया था। पार्टी को इन्होंने लाकर, राष्ट्रीय जनता दल को इन्होंने लाकर जिला में खड़ा कर दिया था, ये इनका तो श्रेय जाता है। और मैं क्या कहूँ, मैं तो कुछ नहीं बल्कि हमारे प्रदेश के अध्यक्ष महोदय ने बुला करके इनसे कहा कि पार्टी को आप संभालिए,
और धनबाद जिला को आप।